हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे अम्ब्रेला कट कुर्ती की स्टिचिंग कैसे करते हैं। इस कुर्ती की कटिंग कैसे करते हैं वो हम इस वीडियो के पार्ट वन में बता चुके हैं आपको। अब पार्ट टू में हम इसकी स्टिचिंग बताएंगे आपको। सबसे पहले हम फ्रंट पार्ट लेंगे, कुर्ती का जो आगे का भाग है वो हम लेंगे और इसका गला बनाएंगे। गले में पैटर्न बनाने के लिए हम बीच में सेंटर में बीच में एक लाइन ड्रॉ की है, हमने सीधी सी लाइन ड्रॉ की है और इस तरह की एक सीधी स्ट्रिप काटी है। ये स्ट्रिप हमने 8 इंच लंबी काटी है और 2.5 इंच चौड़ी काटी है। ये स्ट्रिप से 8 इंच लंबी और 2.5 इंच चौड़ी, इससे हम गले के पैटर्न बनाएंगे। सबसे पहले तो हम स्ट्रिप को इस तरह से फोल्ड करेंगे। इस तरह से हमें दोनों साइड से स्ट्रिप को फोल्ड करना है और सीधी करना है। अब जो हमने लाइन ड्रॉ की है उस पर इस तरह से स्ट्रिप को अटैच करना है। बिल्कुल सेंटर में इसको रख के इस तरह से स्ट्रिप को दोनों साइड से सिलाई लेकर स्टिच करना है। और जब हम यहाँ नीचे पर आए, नीचे आने के बाद इसको नीचे से फोल्ड करके इस तरह से शेप देना है। जो हम बुकरम में शेप देते हैं कुर्ते के, उसी तरह से हमें ये स्ट्रिप इस पर अटैच करनी है। जब ये स्ट्रिप्स अटैच करते हुए नीचे की तरफ आए तो नीचे से थोड़ा इसे फोल्ड करना है और इसे शेप देना है। जैसे हम कुर्ते के बुकरम में देते हैं उसी तरह से हमें शेप देना है। आपको दिख रहा है हमें इस तरह से ट्रायंगल शेप दिया है यहाँ पे। इसकी जगह पे अगर हमारे पास इसके मैचिंग कोई और कलर का कपड़ा हो तो हम इसे भी अटैच कर सकते हैं, उससे भी ये स्ट्रिप लगा सकते हैं। लेकिन अभी इस वक्त हम इसी कलर की, इसी कपड़े की स्ट्रिप अटैच कर रहे हैं। इस तरह से हमने दोनों साइड के शोल्डर को ज्वाइंट कर दिया है। शोल्डर ज्वाइंट करते वक्त उसको बाहर की तरफ 1/2 इंच डाउन करना होगा। ये 1/2 इंच डाउन आप कटिंग के वक्त भी कर सकते हैं। अगर कटिंग के वक्त आपने नहीं किया है तो सिलाई के वक्त आप कर सकते हैं। अब हम गले में पट्टी लगाएंगे। ये हमने ओरेप स्ट्रिप्स काटी है, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। डबल फोल्ड करके हम पूरे गले में इस तरह से इसको अटैच करेंगे। पूरे गले में इसको इस तरह से रखकर पूरे गले में सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने पूरे गले में ओरेप स्ट्रिप को अटैच कर दिया है। अब जहाँ पे ये राउंड शेप दिख रहे हैं वहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स लाएंगे। इस तरह से हमें कट्स लगाने हैं। कट्स लगाते वक्त ख्याल रखें कि कहीं सिलाई निकल ना जाए। कट्स लगाने के बाद हमें इस पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगानी होगी। इस तरह से हम पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने स्ट्रिप को अंदर की तरफ फोल्ड करके पूरे गले को रेडी किया है। अब हम स्लीव्स अटैच करेंगे। स्लीव्स अटैच सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्लीव्स को नीचे की ओर से जो हमारी मोरी का हिस्सा है वहाँ से इस तरह से डबल फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से सिलाई लगानी है। दोनों स्लीव्स को इसी तरह से हमें रेडी करना है। हमने इस तरह से फोल्ड करके स्लीव्स को रेडी कर दिया है।
अब दोनों स्लीव्स को सेट करते हुए जो होल वाला पार्ट है वो आगे की तरफ रखेंगे और इस तरह से हम दोनों स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच करेंगे। ये होल वाला जो भाग है हमारा वो हम आगे की तरफ रखेंगे। हमने स्लीव्स भी अटैच कर दी है। अब जो हम साइड फिटिंग करेंगे, जो हमारी मेजरमेंट लाइन हमने बनाई थी उसी पर सबसे पहले हम सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हमने जो हमारी मेजरमेंट, जो हमारे एग्जिट नाप की लाइन ड्रॉ की थी उस पर हमने दोनों साइड से सिलाई लगा दी है। तो एग्जिटली फिटिंग हमारा हो चुका है। अब इसके पास में हम थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस छोड़ के दो तीन सिलाई और लगा देंगे। दोनों साइड हम दो तीन सिलाई और लगा देंगे। में हमें नीचे का जो पार्ट है, जो हमारा नीचे का हिस्सा, कुर्ती के नीचे का हिस्सा है जो लास्ट वाला, उस पे हमें इस तरह से किनारी को मोड़ना है। एक बार फोल्ड करके और एक बार फोल्ड करना है और इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो फ्रेंड्स, रेडी है हमारी अम्ब्रेला कट कुर्ती, जो हमने बहुत ही सिंपल तरीके से बनाई है और बहुत ही कम कपड़े में बनाई है। कम से कम कपड़े में हमने अम्ब्रेला कट कुर्ती बनाई है। जो हमने गले में स्ट्रिप्स अटैच की है उस पे हम इस तरह से बटन्स लगा सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।